सब कुछ बोल दिया और बाकी नहीं है बोलने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। मोदी योगी की शादी हो जाए बस यही बात है। अभी सिर्फ पोडियम बनाना है। कैसे हम लोग मोदी जी का जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को हम लोग गंगा में फेंक सकता हूँ, ब्रह्मपुत्र में, नर्मदा में फेंक सकता हूँ। इसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए, बस इतना है। मैं दो तीन शब्दों में असम का पर्सपेक्टिव, नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव बोलूंगा। तो सिंधु राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया लॉ का अमेंडमेंट लाया है। आप लोग जानते हो ना सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, इसमें एक सुधार लाने के लिए उस लोग कोशिश कर रहा है। 19 जुलाई 2016 में उस लोग एक अमेंडमेंट लाया है, बोला है कि अब से इलीगल माइग्रेंट, अब से सिटीजनशिप का जो बेसिस है ये बेसिस चेंज हो जाएगा। रिलीजन का जो बेसिस है, रिलीजन का बेसिस में इंडिया में सिटीजनशिप देने के लिए उसी प्रकार के एक ये नया अमेंडमेंट लाया है। बोला है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 इसमें बोला है सेक्शन 2 विदिन ब्रैकेट 1 सब सेक्शन 1 में बोला कि अब से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस तीनों देशों से नॉन मुस्लिम लोग इंडिया में आने से उस लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्धिस्ट, सिख लोग आने से उस लोग इंडिया में अब तक से उस लोग इलीगल माइग्रेंट विदेशी नहीं होगा, फॉरेनर्स नहीं होगा। तो ये अमेंडमेंट होने से असम तक बांग्लादेश से कम 2 करोड़ बांग्लादेश से हिंदू बांग्लादेश लोग आ पाएगा। 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से लोग असम तक आने से असम का आज तक जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ 11 लाख जो जनसंख्या है इसमें 2 करोड़ आने से असम का डेमोग्राफिक पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। और होता है कि जो 2 करोड़ लोग आ जाएगा हिंदू बांग्लादेशी लोग आ जाएगा बीजेपी आरएसएस के लिए वोट बैंक बन जाएगा। नंबर वन उस लोग का जो हिंदू राष्ट्रों का जो धारणा है ये हिंदू राष्ट्रों का धारणा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये हम लोग के लिए इलेक्शन का गिफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए बीजेपी आरएसएस का नया गिफ्ट है कि असम के लिए 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को ले आएगा। नंबर टू आप लोग जानते हो ना कि इंडिया का 12 स्टेट का स्पेशल स्टेटस है। नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट है और दूसरा 4 स्टेट है जिसका स्पेशल स्टेटस था। जब बीजेपी आ गया है, जब आरएसएस और बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया है 2015 से ये नॉर्थ ईस्ट और 12 स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था इसको खत्म कर रहा है। नंबर थ्री नॉर्थ ईस्ट का जो अरे मोदी अंधेरे में होगा कहीं कोई नहीं ठीक है चलेगा। हाँ चलेगा बड़े भाई। नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी था बहुत दिन से जो पॉलिसी था ये पॉलिसी भी खत्म कर डाला। बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगा।
ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कुछ दिन पहले मैं झारखंड गया था। झारखंड का आदिवासी लोगों के लिए जो सुतानागपुर टिनेंसी एक्ट है, ये सुतानागपुर टिनेंसी एक्ट को अमेंड करने के लिए बीजेपी ने असेंबली ने एक नया अमेंडमेंट लाया था। तो ऐसे आदिवासी का लोगों का ऊपर हमला किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ऊपर हमला किया है, दलित का ऊपर हमला किया है, मुस्लिम का ऊपर हमला किया है, कश्मीर का ऊपर हमला किया है, पंजाब का ऊपर हमला किया है, सब का ऊपर हमला चला रहा है। और सबसे ज़्यादा हमला जनता का ऊपर, सब लोगों का ऊपर, जनता का ऊपर हमला उस लोग चला रहा है। अभी इंडिया का कोई लोग खुशी नहीं है, चौबा लोग खुशी नहीं है, महिला खुशी नहीं है, हम लोग किसान लोग खुशी नहीं हो। आप लोग जानते हो किसान अभी आज दिन में एक दिन में मोदी का एज में एक दिन में हर दिन में 33 किसान सुसाइड कर रहा है। हम लोग के लिए अच्छे दिन का मांग किया था, हम लोग के लिए अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन हम लोग के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आया है। महिला के लिए कोई अच्छा दिन नहीं आया है। जो 441 का जो एलपीजी सिलेंडर का दाम था, इसका बन गया है 787 बन गया है। जितना प्राइस राइज हुआ है, जितना सारा इंडिया का कोई लोग अभी खुशी नहीं है। युवाओं के लिए कौन संस्थान नहीं है, नौकरी नहीं है। उसने वादा किया था कि 2 करोड़ एक साल में 2 करोड़ करके नौकरी देगा, लेकिन कितना दिया अभी लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि बहुत कम, 2 लाख से कम, एक साल में 2 लाख से कम नौकरी आया है। कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, देख लीजिए, जो विदेशी लाने के लिए, हिंदू बांग्लादेशी लाने के लिए उस लोग कोशिश कर रहा है। असम का सब लोग 97 ट्राइब्स, असम ने 97 ट्राइब्स है, और हर टाइप ने बता दिया कि बीजेपी का साथ हम लोग नहीं जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ करना है। इसीलिए हम लोग बोलता हूँ कि अभी इंडिया में जो माहौल आ गया है कि किसान लोग खुशी नहीं है, युवा लोग खुशी नहीं है, महिला खुशी नहीं है, दलित खुशी नहीं है, मुस्लिम खुशी नहीं है, क्रिश्चियन लोग खुशी नहीं है, सिख लोग खुशी नहीं है, सब लोग अभी बेखुश हो गया। इसीलिए हम लोग एकता होना पड़ेगा, हम लोग एकता होके उस लोग का खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये हम लोग का बात है। इसीलिए सिर्फ इलेक्शन को मत देखिएगा, देख लीजिए एनएसए किसका ऊपर लगाया है, एनएसए राहुल गांधी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए अरविंद केजरीवाल का साथ ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए ममता बनर्जी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए किसका ऊपर लगाया है, एनएसए भीम आर्मी का ऊपर लगाया है, सेडिशन चार्ज किसका जो जिग्नेश मेवानी का ऊपर लगाया है, एनएसए मेरा ऊपर लगाया है। क्योंकि देख लीजिए सारा इंडिया में अभी सब लोग, सब सेक्शन का लोग खुशी नहीं है, सब लोग अभी उठ रहा है, जाग रहा है, और इसको हटाने के लिए, बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए उस लोग एनएसए लगा रहा है, एट्रोसिटी चला रहा है। लेकिन हम लोग सब लोग एकता होना पड़ेगा। इसीलिए मैं नॉर्थ ईस्ट से बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ बड़ा बड़ा मुहिम लगा दिया। मोदी ने बताया था इलेक्शन का पहले, बताया था कि कभी नॉर्थ ईस्ट में बड़े बांध नहीं होगा, लेकिन मोदी आके नॉर्थ ईस्ट में बड़े बांध बनाने के लिए कोशिश किया था, और हम लोग रेजिस्ट करके, स्ट्रीट फाइट करके, हम लोगों ने, किसानों ने, कृषक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने के लिए कोशिश किया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सारा लोग मिलके बता दिया कि
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अमेंड नहीं होगा, हम लोग इसको रेजिस्ट करेंगे और जब तक उस लोग कोशिश करेगा तब तक बीजेपी को खिलाफ का साथ खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ हम लोग का लड़ाई चलेगा। इसीलिए हम लोग मिनती करता हूँ, आ जाइए, हम लोग का आप विश्वास राहुल गांधी का ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी का ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का ऊपर नहीं है। हम लोग जिग्नेश मेवानी को, हम लोग कन्हैया कुमार को, हम लोग का जितना मूवमेंट वाला लोग है, सब मूवमेंट वाला लोग एक साथ होके एक नई इंडिया बनाने के लिए, नया इंडिया बनाने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। ये इतना ही बोलना है बस। थैंक यू। इंटरव्यू।